अवधिक। ये प्रेम तो अपनी आत्मा का समर्पण है। ये विवाह एक संबंध अवश्य है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। ये विवाह प्रेम से प्रतिबंधित नहीं है था। ये प्रेम कहीं ऊंचा है। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, तो क्या राधा के विवाह के पश्चात मैं उसके सुख की कामना करना छोड़ दूं? कैसे मैं प्रयास न करूं कि राधा जीवन में सदा सदा के लिए सुखी रहे? क्या मेरे मन में राधा के लिए प्रेम कम हुआ? कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम कृष्ण में समाहित है ना? दाऊ, ये प्रेम पाप तब बन जाएगा जब इस प्रेम के बदले हम कुछ चाहेंगे, किंतु यदि ये प्रेम समर्पित हो तो ना ही ये अनीति है ना ही ये पाप है। पर सेतु बांधने की कथा के विषय में तो आपने सुना ही होगा। श्री राम की सेना को 100 योजनों के समुद्र को पार करके लंका पर आक्रमण करना था। वास्तुका, नल और नील ने सेतु बांधने का उपाय सोचा, किंतु अब सेतु बांधा कैसे जाए? समुद्र इतना गहरा है, कितने पत्थर डाले जाए कि पार करने लायक स्थान हम समुद्र से ले सके। तब किया गया एक का पत्थरों पर लिखा गया राम का नाम, और जब इन पत्थरों को सागर में फेंका गया तब वो तैरने लगे। अब कोई कहेगा ये राम के नाम की महिमा, कोई कहेगा ये नारायण का कोई चमत्कार, किंतु नहीं, ये राम का वो गुण, उनके व्यक्तित्व की वो महानता है जिसने उनका प्रतिनिधित्व किया। कि पत्थर भी सागर में तैरने लगे। उसी प्रकार जहां हम नहीं होते वहां हमारे गुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे नाम की शक्ति हम स्वयं बनाते हैं अपने कर्मों से, अपने गुणों से। अब चयन आपका है। आपके नाम के सहारे कोई विपदा से बाहर निकल आता है या आपके अपयश के दुष्कर्मों से कोई डूब जाता है। अच्छे से चयन कीजिए। राधे राधे। कभी किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक स्थान जो वर्षा, धूप, शत्रुओं से सुरक्षित हो। फिर वो अपना घोंसला बनाता है, फिर अंडे देता है, और फिर जब उन अंडों से नन्ही संतानें निकल आती हैं तो उन्हें भोजन देता, उनकी सुरक्षा करता। परंतु जब उनके पंख निकल आए तो ना उन्हें भोजन देती है ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती। उड़ने की कला सिखाती है बस। फिर वो नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीख जाती है, स्वयं घोंसला बनाना सीख जाती है। और हम मनुष्य क्या करते हैं? संतान के बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सके, अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पंगु कर जाते हैं। जीवन में वही कीजिए जो एक पंछी करता है। अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाई, संस्कार दीजिए, और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने को मुक्त कर दीजिए। राधे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी एकाग्रता के साथ इस चींटी को क्यों देख रहा हूं। आपको बता दूं कि आज इस चींटी को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो चुका हूं। इसके रूप, इसके आकार को देखकर नहीं,
इसके प्रयासों को देखकर। आप जानते अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है, वो चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे न रहे, इनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, भाग्य उनका स्वागत करता जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते। तो प्रयास करते रहे, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। राधे राधे। क्या प्रेम में विवाह करना अनिवार्य है? तुम्हें क्या लगता है? बात बुराई की नहीं है राधा, बात है बंधन और जुड़ाव की। राधा, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों को एक जीवन के लिए बांध के रखता है, किंतु प्रेम एक ऐसी भावना है राधा, जो दो प्रेमियों को अनंत काल तक जोड़कर रखती है। विवाह में कोई बुराई नहीं है राधा, किंतु क्या इसे प्रेम के अनंत बंधन का अंग बनाना उचित होगा? जो प्रेम अलौकिक है राधा, उसे संसारिक बंधन में क्यों बांधना? हमें देखो, इस क्षण को देखो, अभी भी हम साथ में ही है ना? प्रेम भी यही सिखाता है राधा, कि दो लोग, दो प्रेमी पूरे अस्तित्व के साथ हर क्षण एक दूसरे के संग बिताएं, बिना भविष्य की चिंता किए और इन आशाओं और आकांक्षाओं के खेल से परे होकर एक दूसरे को समझें। ये तो समय ही बताएगा ना राधा, कि हम एक दूसरे के विकार, गुण, अवगुण जानते हैं या अब भी कुछ जानना शेष है। ये ताला देख रहे हैं आप, ये ताला प्रहार से भी खोला जा सकता है, प्यार से भी खोला जा सकता है, अर्थात इस ताले को आप इस चाबी से भी खोल सकते हैं, इस हथौड़े से भी खोला जा सकता है, किंतु खुलने में अंतर होगा। यदि आप इस ताले को प्रहार से खोलोगे तो ये पुनः काम नहीं आएगा, किंतु यदि आप इसे चाबी से खोलोगे तो ये सदा काम आएगा। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं, हमारे जीवन की आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि क्रोध से किया जाए तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते, इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिएगा, क्योंकि हर बार नया ताला ला सकते हैं आप, नए संबंध नहीं ला पाए। राधे।